हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला से खबर है। जयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मानसरोवर के वंदे मातरम मार्ग पर कार्रवाई की गई है। यहां रेस्टोरेंट में पिलाई जा रही थी शराब, ये बड़ी जानकारी। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई है, मानसरोवर के वंदे मातरम मार्ग पर यह कार्रवाई हुई। एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मानसरोवर के वंदे मातरम मार्ग पर बड़ी कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग की तरफ से। रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही थी, काफी समय से चल रहा था रेस्टोरेंट में ये खेल, और साथ ही काफी संख्या में शराब बरामद होने की भी सूचना वहां से मिल रही है। जिला आबकारी अधिकारी सुनील भाटी के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी गिरवर शर्मा ने इसकी पुष्टि की है, उन्होंने ये कार्रवाई की है। प्रदेश में इन दिनों आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है, और इसी अभियान के तहत जयपुर शहर में आबकारी विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर शहर के एक तरह से पौश इलाके मानसरोवर में जो वंदे मातरम मार्ग है, वहां पर विभाग की बिना अनुमति के एक तरीके से बार संचालित हो रहा था। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे ये पूरा कैंपस, जहां पर बिना अनुमति के लोगों को बिठाकर शराब पिलाई जा रही थी। ये लोग आप देख सकते हैं जो यहां पर आए हुए थे, और कुछ देर पहले ही आबकारी विभाग की टीम ने यहां पर छापा मारा है। बहुत बड़ी तादाद में यहां से शराब जब्त हुई है, और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के यहां पर बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों को शराब पिलाई जा रही थी। हमारे साथ सहायक जिला आबकारी अधिकारी गिरवर शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, क्या सूचना थी आपके पास और क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पर? हमारी टीम के पास कुछ सूचना थी कि बिना लाइसेंस लिए विभाग से और शराब पिलाई जा रही है रेस्टोरेंट्स के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई करते हुए आज ये देखा है। आनंद बाग रेस्टोरेंट है, उसमें ग्राहक जैसा आपने देखा भी शराब पीते हुए मिले थे। राज्य में अभी जो आपने ही बताया, अभी जो अभियान चल रहा है उसके विरुद्ध इस प्रकार से अवैध शराब जो पिलाने वाले हैं बिना अनुज्ञापत्र लिए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। तो कोई केस वेस बनाया है सर, कोई अरेस्ट हुआ है, किसी को पकड़ा गया है, क्या हुई है सर कार्रवाई? केस तो अब जो हमारे आबकारी अधिनियम में प्रावधान है उसके अंतर्गत बनाया जाएगा, और जो हमारे क्षेत्र के प्राधिकारी हैं वो इस केस को दर्ज अभी करेंगे और कार्रवाई मौके की अभी होने के बाद। लोगों का कहना है कि इस रोड पे और भी ऐसे रेस्टोरेंट हैं सर, जहाँ बिठाकर अंदर बहुत दिनों से शराब पिलाई जा रही है, उन पर भी कोई कार्रवाई हुई है या होगी? जी बिल्कुल, सभी सूचना एकत्रित करके और उनके विरुद्ध भी देखा जा रहा है जहाँ जहाँ ऐसी प्रकार की सूचना है। तो ये हैं गिरवर शर्मा, जिन्होंने बताया कि ऐसी सूचना उनको मिली थी कि विभाग की बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस लिए एक तरीके से बार संचालित किया जा रहा है, जहां लोगों को बिठाकर शराब पिलाई जा रही है, और उस पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन इस कार्रवाई से स्थानीय जो पुलिस है, मानसरोवर थाना पुलिस, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि शहर में मानसरोवर थाना क्षेत्र में इस तरीके से इतना बड़ा धंधा चल रहा है, लोगों को अंदर बिठाकर नाइट कर्फ्यू के बावजूद देर रात्रि तक शराब पिलाई जा रही है, उसके बावजूद आखिर अभी तक क्यों स्थानीय थाना पुलिस ने इन रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई नहीं की? कैमरामैन इकबाल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।